गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करते हैं लेआउट ऑफ अ कार। आपने हम सभी ने कार देखी होगी, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, ये कार है, इसमें सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंजन लगा होता है, ये आप देख सकते हैं इंजन, जो कार मेन फंक्शन सभी का काम करता है। सभी जो भी इसके आगे पार्ट्स लगे होंगे उनको वर्किंग में लाने के लिए इंजन सबसे मेन कंपोनेंट होता है। उसके आगे रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर क्या करेगा, इस इंजन को ठंडा करने में हेल्प करेगा। रेडिएटर में क्या, हम कूलेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, जो कि इंजन को ठंडा करने के लिए काम आता है। उसके आगे यहाँ पे गाड़ी की लैंप लगी हुई है। यहाँ पे ये जनरेटर लगा हुआ है, जो कि मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बैटरी को चार्ज करता है। गियर शिफ्ट मैकेनिज्म लगा होता है, गियर को चेंज करने के लिए। गियर इसलिए होते हैं स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। यहाँ पे स्टार्टर लगा होता है और गियर के आगे यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लच लगा होता है। फ्लाईव्हील एक रोटेशन देता है इंजन को, जिससे कि वो रोटेट करना शुरू हो जाए, और उसके बाद वाले जो रोटेशन होते हैं वो खुद इंजन में अंदर सक्शन पहले कंप्रेस करेगा, फिर एक्सपेंड, और फिर एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट, ये सब चार स्ट्रोक की वजह से आगे ये इंजन चलता रहता है। क्लच क्या काम करता है, क्लच इंगेज और डिसंगेज करता है इंजन की शाफ्ट से, और जो शाफ्ट दूसरी होती है जो टायर्स के साथ कनेक्टेड होती है, उस शाफ्ट को ये इंगेज और डिसंगेज करता है। यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील है रोटेशन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। यहाँ पे गियर शिफ्ट मैकेनिज्म लगा होता है ऊपर, गियर को चेंज करने के लिए, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर या फिर रिवर्स गियर लगाने के लिए। यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर फ्लाईव्हील, क्लच, स्टार्टर और गियर लगे होते हैं। उसके बाद है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट हम लगाते हैं ताकि जो आगे वाली मोशन है उसको पीछे वाले टायर को ट्रांसफ़र करने के लिए। प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों तरफ यूनिवर्सल जॉइंट लगे होते हैं, और यहाँ पे उसके जो ये यहाँ ये प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल से कनेक्टेड होती है। डिफरेंशियल आगे टायर व्हील से कनेक्टेड है, व्हील के ऊपर टायर लगा होता है। ये एक लेआउट है कार का। अब देखते हैं कि आगे, देखिए फर्स्ट लेआउट में हम बात करेंगे फ्रंट इंजन के बारे में, कि वो वाले व्हीकल जहाँ पे जिसमें इंजन है वो फ्रंट में लगा होता है। हमने जैसे व्हीकल देखेंगे, जैसे जो भी नॉर्मली कार होती है उनका सभी का जो इंजन है वो फ्रंट में ही लगा होता है। यहाँ पे स्टीयरिंग है और ये फ्रंट में यहाँ पे व्हीकल है। डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, किसी में फ्रंट होता है, फ्रंट चार तरह की हमारे पास ड्राइव होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप एक बार वो जाके देख लीजिएगा। इसमें देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, रियर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, और रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो सभी के बार डायग्राम एक बार देख लीजिए आप। ये फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये देखिए आप, ये सेकंड वाली है, ये यहाँ पे रियर इंजन है। फ्रंट में इंजन नहीं रखा, यहाँ पे इंजन है वो रियर में रखा हुआ। ये आपने वोल्वो की जो बसेस देखी होंगी उसमें जो इंजन है वो पीछे रखा होता है, ये रियर इंजन है। रियर इंजन के क्या एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है रियर इंजन लेआउट की, इंक्रीज लोड ऑन रियर ड्राइविंग व्हील्स विच विल प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन दी रोड। ये क्या करेगा, जो ग्रिप है रोड के ऊपर बेटर ग्रिप बना के रखेगा, जो जिसमें रियर इंजन लगा होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली, उसके बाद देखिए ये थर्ड वाली है, जिसमें मिड इंजन लगा होता है, बीच में यहाँ पे इंजन होता है, मिड इंजन। जो मोस्टली जो मिड इंजन वाली होती है वो रियर व्हील ड्रिवन कारें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली रियर व्हील ड्रिवन मिड इंजन कार होती हैं, जो वो रियर व्हील ड्रिवन होती हैं। ये देखिए, ये रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, इसमें जो इंजन होगा वो पीछे की तरफ रखा होगा, और ड्राइव होगी वो भी पीछे की तरफ होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गियर बॉक्स है, रियर व्हील है, और ये ड्राइव शाफ्ट है, ये यूनिवर्सल जॉइंट्स लगे हुए हैं, ये क्लच है यहाँ। तो ये कौन सी है, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।